हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं एक लिप स्क्रब का रिव्यू कर रही हूँ और ये जो लिप स्क्रब है, दिस इज़ बेला वीटा ऑर्गेनिक निको लिप्स लिप लाइटनिंग स्क्रब बाम है। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं शिया बटर, ऑलिव ऑयल, अर्गन ऑयल, मैंगो बटर, कोकोआ बटर, विटामिन ई, ग्लिसरीन, बीज वैक्स एंड आइसो एमिल लॉरेट, कोकोनट ऑयल डेरिवेटिव एंड ग्रेप सीड ऑयल, ओट पाउडर, ग्रेट रेटिनल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, माइक्रोनाइज्ड जिंक ऑक्साइड एंड माइक्रोनाइज्ड टाइटेनियम ऑक्साइड, नेचुरल स्वीटनर, कोजिक एसिड, फ्लेवर एंड फूड रेड 1CI14700। सो ये सारे इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर और अभी मैं इसे स्क्रबिंग करने वाली हूँ। दिस इज क्रुएल्टी फ्री एंड वेगन प्रोडक्ट, यू कैन सी। और इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो bellavitaorganic.com पर जा सकते हैं। और ये जो एक स्क्रब है ये 699 का है, 2 ईयर्स शेल्फ लाइफ के साथ आता है। ये मुझे बेला वीटा की तरफ से आया था एंड यू कैन सी इस स्क्रब को मैं एवरी डे इस्तेमाल करती हूँ मेरे यू नो बाथिंग टाइम पर। यू कैन सी दिस इज़ टोटली रेडिश लिप स्क्रब और बहुत थोड़ा सा लेना होता है। ये एक स्क्रब बाम है सो इतना सा ही लेना होता है बस। एंड उसके बाद मैं इससे भी मसाज करने वाली हूँ लेकिन ना इसमें च्युइंगम जैसी स्मेल है। जो लिप स्क्रब होते हैं ना उनको बहुत ही जेंटली स्क्रब करना चाहिए। इस वक्त आप देख सकते हो और जितने भी लिप स्क्रब होते हैं जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करोगे वो उतना जल्दी रिजल्ट देते हैं। एंड इसकी फ्रेग्रेंस इज़ ओके, बट द प्रोडक्ट इज़ जस्ट वाव फॉर लिप्स, क्योंकि ये लिप्स को एक्चुअली लाइटन करता है और लिप्स को पिंक टोन में कन्वर्ट करता है धीरे धीरे। एंड अगर आपके लिप्स पिगमेंटेड हो गए हैं, लाइक किनारे किनारे से डार्क हो गए, तो आपको लिप स्क्रब रोज़ करना चाहिए। और कुछ भी नहीं है ना अगर लिप स्क्रब करने के लिए तो आप बूरा ले लीजिए, चीनी ले लीजिए एंड उसमें थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप कोकोनट ऑयल मिलाइए और स्क्रब कर डालिए। अगर वेडिंग है आपकी तो आप ज़रूर से स्क्रब कीजिए।
ओके सो स्क्रब इज डन, और अब मैं इसको ना पोंछ रही हूँ कॉटन से। तो मैंने इसको धो लिया है और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे लिप्स जो है वो एक्सफोलिएट तो हो गए हैं, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेरे लिप्स के आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, क्योंकि एक बाम है। तो उसके लिए मैं लेने वाली हूँ ये कॉटन, एंड इसके साथ ही मैं ले रही हूँ मेरा मिजल ऑफ वाटर फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल, और थोड़ा सा मैं ना क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि फेस के आसपास भी बहुत सारे लोगों को होने लगते हैं पिंपल या छोटे छोटे दाने, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। ये देख रहे हैं आप हल्का सा रेडिश है ये इसी वजह से। तो अब ये क्लीन हो गया है पूरा इतना फेस बहुत ही अच्छे से, एंड लिप्स भी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो गए हैं। जी हाँ, तो ये लिप बाम जो है बढ़िया काम करता है और लिप्स का जो टेक्सचर है मतलब अच्छा करता है, और लिप्स की जो स्किन है वो बिल्कुल एक जैसी होने लगती है धीरे 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 धीरे, डार्क और लाइट नहीं रहती है। तो आप इस स्क्रब को ट्राई कर सकते हो। बात रही 700 रुपये की, अगर ये महंगा है तो इसमें क्वालिटी बहुत है, प्लस इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि ये है वेगन प्रोडक्ट। दूसरी इसकी खूबी ये है कि ये बहुत सारी क्वांटिटी है, मतलब ये प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ एंड अच्छा खासा चलता है। 20 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है इसकी, और सबसे बेस्ट पार्ट तो यही है कि ये वेगन प्रोडक्ट है, तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और लिप स्क्रब करने के बाद में आप कोई अच्छा लिप बाम लगा लीजिए, एंड चाहे तो आप टोनर के रूप में कोई रोज़ वाटर या कुछ भी लगा सकते हैं। और नहाने के बाद तो वैसे भी मैं हमेशा रोज़ वाटर स्प्रे करती हूँ फेस पे। अगर आप रोज़ वाटर लगाना चाहते हैं तो रोज़ वाटर लगाइए, उसके बाद आप ज़रूर लिप बाम लगा लीजिए, तो आपका जो स्किन है बिल्कुल इवन हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी, आपके लिप्स बढ़िया हो जाएंगे। यू कैन सी बिल्कुल इवन हो गई है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल रारा। और ये लिप स्क्रब बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी के लिए है, इसे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक टीनेजर्स 15-16 की एज में बहुत सारे लोगों के लिप्स थोड़े डार्क होते हैं, वो लोग यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसा कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट इसके बताए, तो उससे आपके लिप्स बहुत अच्छे हो जाएंगे स्लोली स्लोली, लाइक 1 से 2 महीने में। तो अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा दोस्तों, और मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। और फेसबुक पर भी आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, फेसबुक पेज रारा रिव्यूज़ पे।